ये गला की आवाज नहीं निकल। हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज है 11, सो हैप्पी 11 टू एवरी वन। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था, तो आज से हिंदू धर्म में शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सो आज तुलसी विवाह है बेसिकली, तो हम लोग दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं, रंगोली बनाने वाले हैं, साथ में पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, पूजा होगी। सो बस वही सब होगा। एंड मैं सोच रही थी सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का, बट आई वॉज बिजी समवेयर, सो आई हैव स्टार्टेड माई व्लॉग राइट नाउ। सो कल टीनू और सैम भी आ गए हैं, तो उन लोगों ने जस्ट अभी रिसेंटली नई गाड़ी परचेस करी है, किया सोनेट। तो वो लोग पूरा, मतलब वो एक दिन पहले पंजाब में उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट करी थी, एंड ऑब्वियसली टीनू वॉज मिसिंग, जो यहाँ की दिवाली है वो एसेंस वहाँ का नहीं है, पंजाब का, ऐसा वो बता रही थी। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा धूमधाम से, इधर पे हमारे MP साइड में बहुत ऐसा लगता है दूसरों के घर में बिल्कुल शादियाँ हो रही। तो सैम जब आया ना, तो वो देख भी रहा था सबके लाइटिंग्स लगी, तो सैम बोलता किसी की शादी है क्या भाई? तो मैंने बोला नहीं, यहाँ पे ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट होती है। तो वो फिर कल आ भी गए थे, तो ताकि एटलीस्ट दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो 11 जो है जो तुलसी विवाह वो लोग सेलिब्रेट कर पाए। और उनको गाड़ी भी दिखाना था, तो वो लोग गाड़ी से ही यहाँ पर आए हैं। सो वो भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी उससे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं रंगोली बनाने से। सो या लेट्स गो। ओके, सो ये जो रंगोली है ना, ये मैंने बाहर बनाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी सी बनाई है। अंदर भी मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना पाई, एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हो गई थी, दिन भर मैं बाहर थी और जब शाम को आई तो काफ़ी लेट हो गया था। अदरवाइज़ मैं कुछ, मैंने सोच के रखा था कुछ अच्छी सी बनाती। और ये मेरे सामने, हमारे जिस घर के सामने एक रहती है रक्षिता, उसने बनाई थी। शी मेक्स अमेजिंग रंगोली, बहुत ब्यूटीफुल रंगोली बनाती है वो भी। सो दिस इज़ माई सूट, आई एम गोइंग टू वेयर इट। कॉटन का सूट है, काफ़ी सिंपल सा है, प्रिटी सा है, ऐसे छोटे छोटे से ना इसमें कुछ तो भी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। सो वो है, ये इसका बॉटम है, और दिस इज़ द दुपट्टा, प्योर का दुपट्टा है ये। थोड़े से इसमें क्रीजेज हो रहे हैं, बट अब मैं इसको आयन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको आयन किया तो आई एम 100% श्योर मैं इसको जला दूँगी। यहाँ पर मेरे पास स्टीम आयन नहीं है एक्चुअली। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू वेयर दिस ईयररिंग्स। तो मेकअप मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ वो है मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। तो इस लिपस्टिक के बारे में मैं पहले भी काफ़ी सारी बार बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आइए आप लोगों को और बता देती हूँ। तो ये जो मामाअर्थ का मॉइस्चर मैट लिपस्टिक है ना, बहुत अमेजिंग लगता है। एक तो इसके कलर इंटेंसिटी बहुत सही है, दूसरी चीज़ ये लिप्स पे स्टे करता है अप टू 12 आवर्स तक, बिना स्मज करे आपके लिप को ये एक तो बहुत अच्छी केयर देता है, साथ में बर्स्ट ऑफ कलर भी देता है। सो क्राफ्टेड विद ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई, दीज लिपस्टिक्स विल गिव योर लिप्स अप टू 8 आवर्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन। तो यार लिपस्टिक लवर लाइक मी, आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, विच का प्रूफ होता है दैट इनके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है और कोई भी पैराबिन्स नहीं है। सो गेट ब्यूटिफुल मॉइस्चराइज्ड एंड नरिश्ड लिप्स इन वन सिंगल स्वाइप। सो वाई पिक बिटवीन लॉन्ग लास्टिंग कलर्स एंड मॉइस्चराइज्ड लिप्स व्हेन यू कैन हैव बोथ। सो शॉर्ट में बताती हूँ कि एक्चुअली मैं लिपस्टिक्स करते क्या है, इनका 12 आवर्स का लॉन्ग स्टे है, 8 आवर्स का मॉइस्चर लॉक फॉर्मूला है, कम्स इन 13 डिफरेंट शेड्स, मेड सेफ सर्टिफाइड है, स्मच प्रूफ है, लाइट वेट है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, इंटेंस नॉन ड्राइंग मैट कलर है, कंफर्टेबल टू वियर है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इनके जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। तो बेसिक ऑयल क्या करता है, इट मॉइस्चराइज द लिप्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। और जो विटामिन ई है वो क्या करता है, हेल्प्स टू प्रिवेंट पिगमेंटेशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक और शेड लगा करके बता रही हूँ, जो मैंने फेस्टिव वाले में लगाया ना, वो 07 शेड है, रेड कलर, ब्यूटीफुल रेड कलर है। और ये जो मैं लगा रही हूँ, दिस इज 01 कलर, काफ़ी पिंकिश न्यूट काइंड ऑफ कलर है, डेली वेयर के लिए बहुत परफेक्ट है। सो या, सो बहुत ही ज़्यादा नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है और बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है। उसके बाद अब मैं स्वॉच टेस्ट आपको करके बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेड्स लगा लिए हैं, अब मैं आपको फिंगर की हेल्प से इनको रब करके दिखाऊंगी, और देखिएगा कि ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होते हैं, एकदम स्मज प्रूफ हैं। तो आई रियली लव द लिपस्टिक, हाईली रेकमेंडेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पर दिया हुआ जो कूपन कोड है अगर आप यूज़ करेंगे, यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर। सो आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि मामाअर्थ से आप एक अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ ही साथ मामाअर्थ हैज लॉन्च इट्स गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम, विच इज अ लॉयल्टी प्रोग्राम क्राफ्टेड फॉर एवरीवन। यू गेट फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट्स ऑन एवरी ऑर्डर एंड एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर्स एज वेल, ओनली फॉर इनसाइडर्स। तो लिंक टू बिकम अ गुडनेस इनसाइडर इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Flipkart।
तो रेडी हो गई हूँ मैं, अब स्टार्ट करते हैं पूजा। तो पहले पूजा नीचे हो रही है और फिर ऊपर होती है, हम लोग टाइम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ क्या होगा। तो यहाँ पर नीचे ही हम लोग पूजा कर रहे हैं क्योंकि पापा ऊपर नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज़ ऊपर अच्छे थोड़ी जगह रहती है, तो यहाँ पर भी बट इनफ स्पेस है। तो पापा को हम लोगों ने बाहर ही बैठा लिया था व्हील चेयर पर, एंड बाकी सब लोग भी आ गए थे। और ये मेरी रंगोली है जो मैंने अंदर बनाई थी, और ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी। अगेन मुझे पहले पता होता कि टीनू आ रही है, बट एक्चुअली टीनू आई भी थी ना, तो उसको थोड़ा सा गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज ऑफ वेदर चेंज वगैरह की वजह से। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई एज यूजुअल, जैसे हम लोग नॉर्मली पूजा करते हैं। एंड वैसे हम लोग तीन गन्ने का पूरा हट स्टाइल में पैटर्न बनाते हैं, बट मेरी मम्मी का इस बार थोड़ा सा मतलब बहुत ऐसे वो नहीं, तो 11 के दिन में हमेशा लहंगा वगैरह कुछ पहनती हैं, बट ऑब्वियसली अभी थोड़ा तो लगता है ना, तो बस वैसे ही था। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छे से और करेंगे इसको। तो मैं वही पापा का हाथ लगवा लगवा करके सब सामान दे रही थी। तो सबने मिलके नीचे पहले पूजा करी, उसके बाद हम सब लोग ऊपर चले गए थे। यहाँ पर सैम को टीनू बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें। एंड या उसका एक्चुअली ये सब रिचुअल थोड़ा सा वहाँ पर फॉलो नहीं करा जाता है, तो इसलिए उसके लिए भी नया नया है। शालिग्राम के अंदर है, मैं अंदर दिख रहा है क्या? नहीं है। ये आंवला भी चढ़ा दिया, आंवला ही चढ़ा दिया, आंवला आंवला चढ़ा दिया, आंवला चढ़ा दिया, ये सब चीज करती है। और यहाँ से निकलेंगे, आज मैं लेती हूँ। हाँ, आज कभी चली आई थी, कभी ये ले आना, वो पुड़िया मिल जाती है वहाँ तो पूरा। अरे मेरे को मैं आओ ले लिया था, अभी गाड़ी तो अलग से भी ले आई थी, पूरा मिक्स आया ना उसमें। चलिए ऐसे ले, ऐसे हाथ में ले, दोनों के हाथ में डालो, ऐसा तीन बार ऐसा करके वो नीचे पानी छोड़ देना। पापा के लिए नहीं हुए ना, यार नहीं हुए, कह रहा हूँ तुमको कितने हुए। ऐसे पकड़ना है और ये लो, हाँ बोल दिया, उठा लो, हटा लो अपना साइड में, ठीक है, जा अपने पकड़े रखना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये लो इसको पकड़ लो, एक मेरे को दे देना, देखना दूर रखना टपकेगा वो, हाँ नहीं वो विक्की पकड़ लेगा, अपन दोनों पकड़ लेंगे, नहीं चलेगा, बस पकड़ी दे, पकड़ी दे ना, विक्की तू लगा दे, आग लगा दो सब, चलो मम्मा फोटो ले रही, सब उधर देखो, बस उसको ऐसे अपने हाथ के ऊपर फेंक दे, नहीं नहीं जा रहा है, छोड़ 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 दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो, दो, नहीं 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 नहीं
आपने सैम बीचों बीच रखना उसको। नहीं वाह अरे हवा नहीं है बिल्कुल, तो वो भी उड़ गई वहीं गिर गया। नहीं जाएगा और फिर हम लोग चलाने वाले हैं पटाखे। सो यस बैक इन माय कंफर्ट लुक नाउ। तो ये मैंने चेंज वेंज कर लिया, खाना खा लिया, उसके बाद भी आप मेरी लिपस्टिक देखो एकदम इंटैक्ट है, इट्स दैट ग्रेट। तो हम जा रहे हैं मेरे फादर इन लॉ इंक्लूडिंग, और साथ ही साथ हमारे साइड में एक नेबर रहता है, ये अंशु है। तो हम सब मिलकर के छह लोग मिलकर बड़े पटाखे वटाखे चला रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, मतलब मैं आवाज़ और बम बम वाले ज़्यादा पटाखे नहीं चलाती, मैं छोटे मोटे ऐसे अनार अनार चक्री वक्री ये सारी चीज़ें मुझे चलाना ज़्यादा पसंद है। अरे उसको उसके ऊपर ना आ जाए यार। दिस इज द समोसा जिसकी मैं बात कर रही थी, दिस इज अ सैंडविच समोसा, और ये इतना आधा ही होता है, ये फुल नहीं होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, मतलब ये 30 rupees का इतना सा पोर्शन मिलता है, बट ओ माई गॉड ये इतना फिलिंग होता है, आपको एक खाने के बाद इतना आधा खाने के बाद दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत टेस्टी एंड यमी होता है, मैंने कहीं पर कभी भी नहीं खाया है। ओके गाइस, तो ये है हमारा हिमांशु हाय, मेरा सैम हाय, ये टीनो सब जानते हैं। हाँ अब मत करो। और ये रहा विक्की, और ये है रुचि स्टाइकॉर्नर रोती हुई। बस कौन सा रोती हुई देख, वीडियो मैं डालूंगा इसका, रोते हुए वीडियो मैं डालूंगा। नहीं कब का? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इसका रोता हुआ वीडियो डालूंगा। इसकी शादी का तो डालने दे, रोता हुआ डालूंगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एडिट मार देना, कहना प्यार देखो इनका प्यार। तो सी अनसीन वीडियोस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देखो यहाँ पर मैं ऐसे थम्स डाउन डाल दूंगी। हाय गाइस, सो मैं अभी जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, हम लोग अभी जा रहे हैं जवस्वी से मिलने के लिए, आपने बहुत बार मेरे मुंह से नाम सुना होगा उसका, तो वो और उसके घर जा रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे, एंड अगर टाइम बचता है हम लोगों के पास तो फिर हम लोग वहाँ से, एक और घर है राहुल भैया, उनके घर जाएंगे। राहुल भैया को भी आपने मेरे ब्लॉग्स वगैरह में देखा ही होगा ऑब्वियसली, सो उन लोगों के घर जाएंगे।
तो ये जो मंदिर है ना, ये 2008 में स्टैब्लिश किया गया था जब हम लोग 11th क्लास में थे, एंड ये जवस्वी के पापा का टेंपल है, उन्हीं ने बनाया है पूरा, और वही इनकी पूरी पूजा वगैरह करते हैं. एक्चुअली ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट स्टिल वो ये इन मंदिर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं. तो उसके घर पे हम लोग आए थे, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर भी दर्शन करते हैं. 2008 में हम लोग इसमें थे, 11th क्लास में थे, तो जब मुझे याद है जब ये हुआ था ना, तो उसने हम लोगों को इन्वाइट किया था, बट मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि बहुत दूर रहता है ये. तो अगर आप लोग अवधपुरी में रहते हैं तो आप लोग इस मंदिर में आ सकते हैं, साई टेम्पल. उसके बाद फिर घर आने के बाद टीनू, ये है टीनू और सैम की गाड़ी, बहुत सही लग रही थी मुझे ये, तो मैंने अभी तक इसकी ड्राइव नहीं ली थी. विक्की चला भी लिया है बट मैंने अभी तक चलाई भी नहीं है, तो मैं चलाऊंगी किसी दिन सूनी रोड पे, बिकॉज ये IMT है. नई गाड़ी की बात ही अलग होती है. तो यस, हम लोग फिर ऐसी चिल मारने के लिए जा रहे थे. ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं मस्त ऐसी राउंड मारने के लिए, कॉफी वॉफी पीने के लिए. और टीनू कैसा लग रहा है नई गाड़ी में? बहुत अच्छा लग रहा है, गला गया, आवाज नहीं निकल. हाँ, इसकी आवाज अभी गायब है. सनरूफ भी है. अच्छा, इन्हें भी लगवाया है कि इनबिल्ड है? ओके, तो ओके, तो अभी हम लोग आए हैं ऐसी कॉफी पीने के लिए और चिल मारने के लिए. मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ गाड़ी में और बहुत सही फील एंड लुक है. सो यहाँ पर 10 नंबर पे एक कैफे था, हम लोग वहाँ पर आए. 10 नहीं, एक्चुअली 11 नंबर था. तो 10-11 नंबर जो ना थोड़ी सी हैपनिंग प्लेस ऑफ भोपाल है, यहाँ पर थोड़े लड़के लड़कियाँ यूथ जो है वो यहाँ पर आपको काफी मिल जाएगा. ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए कॉफी ऑफिस पर, पी ली है. अभी टीनू का जो फ्रेंड है हिमांशु, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए केक लेने के लिए ABH. तो यहाँ पर भी हम लोग पहले बहुत आते थे जब छोटे छोटे थे, 11th 12th में हमारा अड्डा था मिलने का सब लड़कियों का. सो फीलिंग वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक. हम 6 लड़कियों का ग्रुप था और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो हम 10-10 रुपये ऐड करके एक चीज़ खाते थे, बहुत मज़ा आता था. तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे हिमांशु के घर पे. ये उसकी बेटी है. अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं मुझे, तो आपको नहीं पता होगा वैसे हिमांशु कौन है, बट ये टीनू का बेस्ट फ्रेंड है और ये उसकी वाइफ है और ये उसकी क्यूट सी डॉटर है. तो बस हो गया ना.